न्यूयॉर्क की पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुमताज समाजी शख्सियत अतीक कादरी का शुमार कम्युनिटी की उन शख्सियात में होता है कि जो अपनी समाजी खिदमात के हवाले से जाने जाते हैं। अतीक कादरी, जिनके वालिद पाकिस्तान एम्बेसी सऊदी अरब में खिदमात अंजाम देते रहे, ने अपनी फैमिली के हमरा सऊदी अरब में एक अरसा गुजारा। अतीक कादरी 1990 में पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल एंड कॉलेज से वाबस्ता हुए और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के सरबरा की हैसियत से खिदमात अंजाम देते रहे। अतीक कादरी ने स्विस एयर जद्दा से ग्लोबल एयरलाइंस कैरियर का आगाज किया और साल 2000 में न्यूयॉर्क आए और अमेरिका में स्विस और लुफ्तांसा एयरलाइंस के साथ उनकी वाबस्तगी के 30 साल मुकम्मल होने वाले हैं। अतीक कादरी ने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ऑक्सिलरी और क्वींस बारो हॉल का समाजी व कम्युनिटी खिदमात के लिए इंतखाब किया। अतीक कादरी को यह एजाज हासिल है कि वो न्यूयॉर्क पुलिस में ऑक्सिलरी पुलिस सर्जेंट की हैसियत से 5000 घंटे की रजाकाराना खिदमात अंजाम दे चुके हैं। साल 2023 में न्यूयॉर्क पुलिस हेडक्वार्टर में अतीक कादरी को ऑक्सिलरी पुलिस के लिए 20 साल खिदमात अंजाम देने पर खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड, जो कि पाकोली के नाम से भी जानी जाती है, के बानी बशीर कमर ने अतीक कादरी को पाकोली में मुतारफ करवाया। अतीक कादरी को पाकोली में एजाज हासिल है कि वो पाकोली में सबसे ज्यादा अरसे के लिए जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। अतीक कादरी की खिदमात को पेश नज़र रखते हुए साल 2023 में उन्हें पाकोली में वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मखदूम सैयद तसव्वुर हसन शाह गिलानी के साथ अतीक कादरी की खसूसी अकीदत है। अतीक कादरी को यह एजाज भी हासिल है कि वो सैयद तसव्वुर हसन शाह गिलानी की जानब से कायम करदा आले रसूल इस्लामिक सेंटर में जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से अपनी बेलौस खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अतीकुरमान कादरी न्यूयॉर्क के सबसे बड़े बोरो क्वींस के बोरो हॉल में कायम करदा क्वींस जनरल असम्बली के डेलीगेट और अलमनाई स्टेटस के भी हामिल है। बतौर डेलीगेट पहले साल खिदमात अंजाम देने पर उन्हें क्वींस बोरो प्रेसिडेंट रिचर्ड डोनोवन की जानब से खुसूसी तारीफी सनद से नवाजा गया। क्वींस जनरल असम्बली का साल 2023 का अलविदाई इजलास क्वींस बोरो हॉल में मुनक्कद हुआ, जिसमें क्वींस बोरो प्रेसिडेंट रिचर्ड डोनोवन समेत असम्बली के डेलीगेट और अलमनाई ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस साल के इजलास में निजामत के फ्राइज का एजाज डेलीगेट वैलरी ग्लीन के साथ अलमनाई अतीक कादरी को भी हासिल हुआ, जिन्होंने इजलास में तमाम डेलीगेट्स को खुश आमदीद कहते हुए कहा कि क्वींस जनरल असम्बली का मकसद क्वींस में बसने वाली कम्युनिटीज के बाहमी ताल्लुकात, कल्चर और रवायात का फ़रोग है। क्वींस बारो प्रेसिडेंट रिचर्ड डोनोवन का तमाम डेलीगेट्स और अलमनाई की खिदमात पर शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि क्वींस में बसने वाली कम्युनिटीज की डाइवर्सिटी ही क्वींस की असल पहचान और ताकत है। क्वींस जनरल असम्बली के अजलास में अतीक कादरी की सरप्राइज बर्थडे भी मनाई गई और शुरका ने हैप्पी बर्थडे विशेस को गुनगुनाते हुए अतीक कादरी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। Thank you so much. I was googling that who was born on December 12th, and it was Frank Sinatra, Jennifer Connelly, Regina Hall, Dionne Warwick, Bob Barker, and there are so many other. Yeah, and Atiq Kadri, of course. अतीक कादरी न्यूयॉर्क की पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक रोल मॉडल रुकन है, जिन्होंने अमेरिका, जो कि एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, में ना सिर्फ प्रोफेशनल कैरियर में अपना मुकाम बनाया बल्कि समाजी खिदमत के जरिए अपना और कम्युनिटी का नाम भी बुलंद कर रहे हैं। उर्दू न्यूज़, न्यूयॉर्क।